गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीजन वर्क टू इन ईवीएस। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, फादर्स ब्रदर इज कॉल्ड। फादर के ब्रदर को क्या कहते हैं, अंकल, ग्रैंडफादर या फिर ब्रदर? तो स्टूडेंट, जो फादर का ब्रदर होता है उसे क्या कहते हैं, अंकल, क्योंकि जो ग्रैंडफादर होता है वो किसे कहते हैं, फादर के फादर को। तो फादर्स के फादर क्या कहलाते हैं, ग्रैंडफादर। और यहाँ क्वेश्चन क्या है, फादर्स ब्रदर इज कॉल्ड अंकल। तो स्टूडेंट, अंकल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डैश इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट। किस फेस्टिवल को हम लाइट का फेस्टिवल कहते हैं? फर्स्ट होली, सेकंड दिवाली और थर्ड रक्षाबंधन। तो स्टूडेंट, होली है वो तो किसका फेस्टिवल है, कलर का, और दिवाली किसका है, लाइट का। तो दिवाली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो राइट आंसर क्या है इसका, दिवाली। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्केर्सिटी ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड। कि जो रेनफॉल होती है, बारिश होती है, उसकी स्केर्सिटी, स्केर्सिटी मीन कमी, तो बारिश की कमी को क्या कहते हैं? जब बारिश बहुत कम आती है रेन, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लड, सेकंड ड्राउट और थर्ड क्लाउड्स। तो स्टूडेंट, जो फ्लड है, जब बारिश ज़्यादा आती है तो हम क्या कहते हैं कि फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, और जब बारिश कम होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, ड्राउट, यानी सूखा पड़ना। तो ड्राउट मीन क्या है, सूखा पड़ना, क्योंकि जब बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा। तो स्केर्सिटी ऑफ रेनफॉल क्या कहलाता है, ड्राउट। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या है, बी, ड्राउट। क्वेश्चन नंबर फोर, वर्किंग ऑन डेली वेज नोन एज। कि जो व्यक्ति डेली वेज पे वर्क करता है उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ए हमारा फार्मर, सेकंड लेबर और थर्ड कारपेंटर। तो स्टूडेंट, जो डेली वेज पे वर्क करता है वो क्या कहलाता है, लेबर या फिर वर्कर। फार्मर तो अपने फील्ड में वर्क करता है, और जो लेबर होता है वो डेली वेज पे वर्क करता है, और कारपेंटर है वो जो भी वुड होती है उसकी थिंग्स बनाता है। तो स्टूडेंट, जो डेली वेज पे वर्क करता है उसे क्या कहते हैं, लेबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, लेबर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वी कैन डैश अवर फ्रेंड हु आर अनेबल टू सी, स्पीक, हियर और वॉक इन मैनी वेज। कि हम हमारे फ्रेंड जो कि अनेबल है, असमर्थ है किसमें, देखने में, कोई बोलने में, कोई सुनने में और कोई चलने में, तो ऐसे फ्रेंड की हम किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लाफ यानी उसकी हंसी उड़ानी चाहिए, या फिर एंगर, उस पर गुस्सा होना चाहिए, या फिर हेल्प करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, कि ऐसा फ्रेंड जो कि देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, उनकी मैनी वेज यानी हम कई तरीक़ों से उनकी क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, हेल्प। कि वी कैन हेल्प आवर फ्रेंड हु आर अनेबल टू से, स्पीक, हियर और वॉक इन मैनी वेज। तो हेल्प इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, पीपल हु कैनोट सी इज कॉल्ड। कि जो व्यक्ति देख नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, डीफ, बी जो डम और सी है ब्लाइंड। तो स्टूडेंट, डीफ जो हियर नहीं कर सकता उसे कहते हैं, डम जो बोल नहीं सकता, स्पीक नहीं कर सकता, और ब्लाइंड जो सी यानी देख नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर क्या है, ब्लाइंड। क्वेश्चन नंबर सेवन, एन सुलीवान वॉज द टीचर ऑफ डैश। कि जो एन सुलीवान थी वो किसकी टीचर थी? फर्स्ट हेलन केलर, सेकंड चार्ले बार्बर और थर्ड लुई ब्रेल। तो स्टूडेंट, जो हेलन केलर है ये इसका राइट आंसर है। तो सेवन का राइट आंसर क्या है, हेलन केलर।
क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी डॉट कंटेन ब्रेल स्क्रिप्ट, कि जो ब्रेल स्क्रिप्ट है उसमें कितनी डॉट्स होती हैं। फर्स्ट 8 12, बी 6 और सी हमारे पास क्या है 8। तो स्टूडेंट जो पहले ब्रेल स्क्रिप्ट से पहले जो स्क्रिप्ट थी उसमें 12 डॉट्स हुआ करती थी, लेकिन लुई ब्रेल ने जब खुद की एक स्क्रिप्ट तैयार की, प्रिपेयर की, तो उसने इसमें 12 डॉट को 6 डॉट में कन्वर्ट कर दिया। तो जो लुई ब्रेल है उन्होंने अपनी ब्रेल स्क्रिप्ट में कितनी डॉट रखी, 6। तो राइट आंसर क्या है, 6। हाउ मैनी डॉट कंटेन ब्रेल स्क्रिप्ट, 6। क्वेश्चन नंबर 8, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड, कि जो कैरेक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, तो यानी पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाते हैं वो कैरेक्टर्स, उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट माइग्रेशन, सेकंड इनहेरिटेंस और से इमाइग्रेशन। तो स्टूडेंट वो कैरेक्टर जो पेरेंट्स से अपने बच्चों में जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस यानी आनुवांशिक गुण। तो 8 का राइट आंसर क्या है, बी इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 9, विच फैमिली इज कॉल्ड द हैप्पी फैमिली, कि किस तरह की फैमिली को हम हैप्पी फैमिली कह सकते हैं। तो स्टूडेंट जो हैप्पी फैमिली है इसका ऑप्शन फर्स्ट है कि बिग फैमिली, सेकंड जॉइंट फैमिली और थर्ड जो है वो क्या है, न्यूक्लियर फैमिली। तो स्टूडेंट जो हैप्पी फैमिली होती है वो न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है। तो 9 का जो आंसर है, हैप्पी फैमिली कौन सी है, न्यूक्लियर फैमिली। क्वेश्चन नंबर 10, द पीपल हु कैन नॉट स्पीक, स्टूडेंट इनके जो आंसर है हमें ट्रू फॉल्स में देना है। अगर ट्रू है सही तो ट्रू पे टिक लगाना है, अगर फॉल्स राइट है तो फॉल्स पे टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10, द पीपल हु कैन नॉट स्पीक एंड ही और यूज ए स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड सिंबोलिक लैंग्वेज। स्टेटमेंट क्या है कि वो पीपल जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और तो ऐसे लोगों की जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन में यूज में लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज कहते हैं क्या। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11, देयर इज ओनली ए मदर एंड फादर एंड देयर चिल्ड्रन चाइल्ड और चिल्ड्रन लिव टुगेदर कॉल जॉइंट फैमिली। तो स्टेटमेंट क्या है 11 क्वेश्चन की, कि ऐसी फैमिली जिसमें कि फादर हैं मदर हैं और उनका एक या दो बच्चे हैं, तो ऐसी फैमिली जॉइंट फैमिली कहलाती है क्या। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू या फॉल्स। तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ऐसी फैमिली जिसमें मदर है फादर है उनके एक या दो बच्चे जब साथ रहते हैं तो ऐसी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है। तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, तो इसका क्या आएगा, फॉल्स। अब है क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सिस्ट इन प्लांट एंड एनिमल टू, कि जो इनहेरिटेंस होती हैं जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में आते हैं, यानी जनरेशन टू जनरेशन ये जो इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो क्या ये ह्यूमन के अलावा प्लांट्स और एनिमल्स में भी जाते हैं क्या ये कैरेक्टर्स। तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो ये कैरेक्टर्स हैं ये एनिमल्स और प्लांट में भी ऐसे ही ट्रांसफ़र होते हैं जैसे कि ह्यूमन में होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि एक काऊ जो है अपने काफ को अपने बच्चे को पहचान लेती है और ऐसे एक टाइगर भी अपने कब को पहचान लेता है। तो
जिस तरह से ह्यूमन में मदर और फादर अपने बच्चों को पहचान लेते हैं, ऐसे ही एनिमल में भी ये अपने बच्चों को पहचान लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो स्टूडेंट, जो हमारा रिवीजन वर्क जो सेकंड है ईवीएस में, वो फिनिश हुआ। दैट्स ऑल। थैंक यू।